इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल फोटो के सभी फोटो को एक बार में गैलरी में कैसे लाया जाता है। हमने अपने गूगल फोटो में जितने भी फोटो को अपलोड किए हैं उन सभी फोटो को हम एक बार में अपने गैलरी में कैसे ला सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में। तो यहाँ पर हम अपने गूगल फोटो में हैं और मान लीजिए कि हम यहाँ से किसी भी फोटो को, यहाँ से सभी फोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से मुझे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम बैक होते हैं और बैक होने के बाद किसी एक फ़ोटो पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से मुझे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो यानी कि यहाँ से हम एक एक करके गूगल फोटो से हम एक बार में सभी फ़ोटो को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपने गूगल फोटो के सभी फ़ोटो को एक बार में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में। तो गूगल फोटो के सभी फ़ोटो को एक बार में डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट मिलेगा तो इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको इसके सर्च बार में गूगल फोटो टाइप करना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको ऊपर एक आइकन मिलेगा, इसे हम जूम करते हैं और यहाँ पर आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आपको उसी जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन हो जाना है जिस जीमेल आईडी से आपका गूगल फोटो लॉगिन है। तो लॉगिन होने के लिए आपको ऊपर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ, या पहले से कोई जीमेल आईडी यहाँ पर ऐड है तो उसका प्रोफाइल फ़ोटो या उसका आइकन मिलेगा तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके गूगल फोटो में जो भी जो जीमेल आईडी है उसी जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन हो लीजिए। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपने गूगल फोटो का जो जीमेल आईडी है उससे लॉगिन होने के बाद आपके उस गूगल फोटो में जितने भी फ़ोटो होंगे यहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सभी फ़ोटो को एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको फ़ोटो के ऊपर कोने पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ से आपको ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करना है। सेलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप बारी बारी से सभी फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सभी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपका वह फ़ोटो, आपका जो भी फ़ोटो है सभी फ़ोटो आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर में जीप फाइल में डाउनलोड होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ़ोटो जो है जीप फाइल में डाउनलोड हो चुका है। तो उसके बाद आपको अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में आना है और फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको डाउनलोड के फाइल में जाना है। तो यहाँ से हम लोकल फाइल पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपने जो जीप फाइल यहाँ पर डाउनलोड किया था आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपका सभी फ़ोटो यहाँ पर शो होने लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने जितने भी फ़ोटो को डाउनलोड किया था यहाँ पर सभी फ़ोटो आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने गूगल फोटो के सभी फ़ोटो को एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।